हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आपका भाई मेहताब हसन फिर से लौट के आया है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है, बेसिकली होने वाला है नशे के बारे में। तो नशे के बारे में यही होगा कि नशा तो बहुत तरह तरह के नशा होता है, लेकिन सब नशे से सबसे भयानक और सबसे खतरनाक नशा जो होता है ड्रग्स, तो ड्रग्स के बारे में बताने जा रहा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पे, बात करते हैं। तो ड्रग्स एक ऐसा नशा होता है जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक नशा होता है, जो मतलब ड्रग्स का बहुत ही स्टेप होता है, बहुत ही मतलब हाई लेवल का ड्रग्स होता है, लो लेवल का होता है। तो स्टार्टिंग में सब जितने भी नौजवान अभी ड्रग्स का नशा कर रहे हैं, तो उन सबको मैं स्टार्टिंग में यही बताने जा रहा हूँ कि ये नशा सबसे ख़राब होता है, और अगर आप नशा कर रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दो। मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स छोड़ दो। अगर छोड़ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ रिहाब सेंटर जाओ। रिहाब सेंटर जा नहीं पा रहे हो तो घर पे पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स के साथ बात करो, कंसल्ट करो और ड्रग्स छोड़ो। तो मेरी तरफ से यही राय है कि खुद ट्राई करो छोड़ने के लिए। अगर खुद ट्राई नहीं करोगे तो कोई छुड़ा नहीं पाएगा ना, तो यही बात है। तो जैसे कि अभी हमारे नौगांव पे आया है आईपीएस, जब से आया है नौगांव पे आईपीएस आनंद मिश्रा, जब से आनंद मिश्रा जी आया है, सार ने आके मतलब पूरा नशे में, नशे के बारे में पूरा मतलब कड़क सीन दिया है और बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट किया है। तो ये बात मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है हार्ट से। सो थैंक यू, आई वॉन्ट टू सेल्यूट यू सर, आनंद मिश्रा सर। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, ड्रग्स ड्रग्स एक्चुअली ड्रग्स एक केमिकल मिक्स होता है ड्रग्स पे, और ड्रग्स जो होता है वो मतलब रिसर्च करके और मतलब डॉक्टर लोग बनाते हैं कुछ कामों के लिए। जैसे कि कुछ बहुत सारे मेडिसिन, एक्चुअली ये मेडिसिन होता है, जैसे कि ड्रग्स एसपी जो होता है वो वगैरह, टेबलेट वगैरह कभी कभार वो मतलब डिलीवरी का टाइम प्रेग्नेंट महिलाओं को देते हैं, बहुत पेन होता है पेन कम होने के लिए। तो वैसे ही जैसे कि मोफ्रिन होता है एक हाई लेवल का ड्रग्स, मोफ्रिन बनाया जाता है बॉर्डर पे, आर्मी लोग जब मतलब लड़ाई करते हैं आर्मी लोगों को दिया जाता है स्पेशली मोफ्रिन, ताकि वो मोफ्रिन यूज़ कर पाए। अगर गोली लग जाए, अगर बुलेट लग जाए, तो बुलेट लगने के बाद फिर भी एक्टिव होके वो फाइट कर सके, वॉर कर सके, इसलिए वॉर पे जो लोग जाते हैं, जो लोग बॉर्डर पे होते हैं, उन लोगों को देता है मोफ्रिन। ऐसा एक चीज़ होता है, वो दर्द ख़त्म कर देता है, बुलेट का दर्द भी ख़त्म कर देता है, इतना खतरनाक इतना जहरीला चीज़ होता है मोफ्रिन। वैसे ही ड्रग्स बहुत तरह तरह के होता है, ब्राउन शुगर होता है, हीरोइन होता है, मोफ्रिन होता है, और बहुत खतरनाक और भयानक बहुत डेंजरस ड्रग्स होता है जम्बी, जो आप लोगों ने शायद थी फिल्मों में देखा होगा, द ट्रेन ऑफ द भूषण वैसे एक फिल्म है, उसमें भी जोम्बी के बारे में दिखाया जाता है। तो जोम्बिया नाम के जो ड्रग्स है वो मतलब बहुत रेयर है, लेकिन वो खाने से मतलब भूतों की तरह हो जाता है, भूत प्रेत की तरह हो जाता है, टांग वगैरह हाथ वगैरह उल्टा हो जाता है, आँखों में से खून निकलते हैं, भूत की तरह हो जाता है, तो जोम्बी हो जाता है। मतलब जोम्बी होने के बाद उनको होश नहीं रहता है, मतलब पूरा पागल जैसा हो जाता है, वो काटता है दूसरे को काटते हैं तो वो भी जोम्बी हो जाता है, मतलब तुरंत पॉइजन निकलते हैं, अगर काटते हैं तो दांतों से पॉइजन जाते हैं जो वो उसके उन मतलब सेकंड पर्सन के शरीर में जब खून पहुंचते हैं तो वो भी जोम्बी हो जाता है। जोम्बी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अगर ये ड्रग्स को रुका नहीं जाता तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब 100% से 10% जोम्बी हो जाएगा। तो जोम्बी होने के बाद उनको तो कोई होश नहीं रहता, उसको तो आप मतलब जंजीर से बांध के भी, रस्सी से बांध के भी नहीं रख पाओगे उनको, अगर शॉट करोगे सिर पे तभी मरेगा, नहीं तो उनके हाथ काट दोगे फिर भी वो नहीं मरेगा, पैर भी काट दोगे फिर भी वो जोम्बी जिसको हो जाता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, सिर्फ तभी मरता है जब शूट कर देता है। तो इसलिए जोम्बी अगर 10% को हो जाएगा, बाकी 90% को भी हो जाएगा, अगर वो दूसरे को काटेगा, दूसरे दूसरे को, तीसरे को, ऐसे काटते काटते मतलब, अगर अगर कोरोना वायरस रोका जा सकता है वैक्सीन से, लेकिन ये जो जोम्बी होता है इसको क्या क्या वैक्सीन मारोगे,
कैसे मारोगे, कैसे खत्म करोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्रग्स को आप भी फिनिश करो, ड्रग्स को खत्म करो। ड्रग्स बहुत खतरनाक चीज़ होता है, ड्रग्स की ऐसी लत होता है, ऐसी खराब चीज़ होता है ड्रग्स। ड्रग्स में ऐसे केमिकल होता है जिसकी वजह से, जो लेने से आपके ब्रेन के डोपामिन को बढ़ा देते हैं। डोपामिन लेवल जब बढ़ जाता है तो ड्रग्स जो लेते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा फील होता है, वैसे वैसे महसूस होता है, उसके डोपामिन लेवल बढ़ जाता है तो उनको हैप्पी महसूस होता है, तो वो ड्रग्स कभी छोड़ नहीं पाते। अगर आप गलती से भी ये मत ट्राई करिए कि ड्रग्स लेके देखते हैं कैसा चीज़ है, ये करोगे तो नेक्स्ट डे फिर से मन करेगा, आपकी डोपामिन लेवल बढ़ जाता है ब्रेन के ना, तो इसलिए ड्रग्स कभी भी ट्राई मत करो, ड्रग्स को टेस्ट भी मत करो, ड्रग्स से दूर रहो। और अगर आपको ड्रग्स से बचना है तो आपके घर में कोई ड्रग्स एडिक्टेड अगर पीपल है, ड्रग्स एडिक्टेड कोई है घर में, तो तुरंत उनको रिहैब सेंटर में भेजो। अगर वो खुद बोलता है कि नहीं खाएंगे और ड्रग्स नहीं लेंगे तो उस बात पे विश्वास मत करो, डायरेक्ट रिहैब सेंटर पे दे दो। रिहैब सेंटर पे अगर ना जाए, आपके घर पे आपके बात नहीं मान रहा है, तो आप डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करो और उनको पुलिस पे दे दो, नहीं तो आप भी बर्बाद हो जाओगे, आपके घर पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये नाश कर देगा, विनाश कर देगा। ड्रग्स जो लेता है वो हैवान होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है वो, मतलब ब्रेन पे कुछ रहता ही नहीं। तो प्लीज़ ड्रग्स को मतलब एडप्ट करो, मतलब पूरे का पूरा ड्रग्स को ख़त्म करो, फिनिश करो। तो मेरी तरफ से इतना ही राय है, और मैं बताने जा रहा हूँ कि ड्रग्स के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि आजकल नौजवानों जितने यंग जनरेशन के लड़के लोग होता है, आजकल दिखा जा रहा है 1-2% लड़की भी इस नशे में आ रहा है, ड्रग्स में। तो यही बताने जा रहा है कि ड्रग्स बहुत खराब चीज़ होता है, तो इसके कारण मैंने ड्रग्स के ऊपर वीडियो बनाया है, क्योंकि यंग जनरेशन खराब हो जाएगा तो आपके कंट्री डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इसलिए ड्रग्स पे वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि मेरी सलाह से, मेरी जरिए से ये वीडियो फैल जाए और ड्रग्स को रुका जाए। और दूसरी बात, ड्रग्स ही एक ऐसे चीज़ होता है जो ब्रेन के डोपामिन लेवल को बढ़ा देते हैं। बाकी नशे, अगर कोई गांजा रोग हो तो गांजा छोड़ सकते हैं, कोई शराबी हो तो शराब छोड़ सकते हैं, लेकिन एक ड्रग्स जो लेते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड हो जाए तो वो कभी ड्रग्स नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं एक ही जरिया है, रिहैब सेंटर जाए या पुलिस पे दे दो, पुलिस ले जाएगा फिर उनको ठीक कर देगा। तो गाइस आज के लिए ड्रग्स पे इतना ही, ड्रग्स बहुत खराब चीज़ है, बस इतना ही जान लो। और घर पे कोई है, आसपास कोई है तो ड्रग्स को ख़त्म करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, रिहैब सेंटर दे दो, बस इतना ही। तो गाइस आने वाले दिन अगर ड्रग्स को कंट्रोल ना कर पाए तो ड्रग्स पे और भी बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब अगर ड्रग्स पे सारा बात बोले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा इतना लंबा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरे वीडियो कुछ काम का हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पर नए हो तो। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।